not the first time that I'm happy. It's not the first time I feel good. But it's been a while since that happened. Knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do. That's why I said that we should be. La 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 la, la 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 la. Hi everyone and welcome to my channel. तो आज है day 2 vaccination का. अगर आपने वारा मेरा vlog नहीं देखा है तो देख लीजिएगा. इससे पहले जो vlog किया था उसमें मैंने अपना पूरा vaccination experience बताया था. तो आज मेरा day 2 है. I don't know ये vlog मैं कब upload करने वाली हूँ, but हाँ आज मेरा day 2 है. तो आज मुझे as such कोई problem नहीं हो रहा है. मैं एकदम fit and fine feel कर रही हूँ. बट हाँ थोड़ी सी मुझे थकान लग रही है और अब मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है ना, ये बहुत खतरनाक दुख रहा है. वो भी इसलिए पेन कर रहा है बिकॉज आई नो यहाँ पर वो हुआ है, इंजेक्ट हुआ है इसी हैंड में. वो भी मुझे लगता है कि आज के बाद पूरा ठीक हो जाएगा प्रॉपरली तरीके से. तो मुझे लगता है कि वो भी पूरा ठीक हो जाएगा एक आध दो दिन में. आज दुखेगा और नेक्स्ट डे मतलब है, पर आज ये थोड़ा मुझे पेन हो रहा है. तो विक्की डिसाइडेड कि वो आज कुकिंग कर लेगा, मैं उसको हेल्प करा दूंगी. मतलब मैं एकदम प्राइमरी कुक नहीं रहूंगी आज भी. विक्की करेगा प्राइमरी कुकिंग और मैं थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करा दूंगी बिकॉज उसको चपाती उपाती में थोड़ा प्रॉब्लम आता है. तो वो मैं उसकी हेल्प करवा दूंगी एंड थोड़ा रेस्ट लेने का सोचा. आज मैं काम नहीं करने वाली हूँ कुछ भी, सिर्फ ये ब्लॉग चल रहा है जो चल रहा है. बाकी मैं कोई और काम नहीं करूंगी ज्यादा ऐसे एग्जर्टिंग वाला. रेस्ट करूंगी, चिल मारूंगी और यस आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं. एंड ऑल्सो आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम हमारा जो नया फर्नीचर है वो अनबॉक्स करने वाले हैं. एंड एक्चुअली ना मैं इस वाला जो सेकंड बेडरूम है उसको मैं इसलिए मेकओवर नहीं कर रही थी या उसको स्टाइल नहीं कर रही थी बिकॉज आपने देखा होगा दो पैकेजेस भी वहाँ पर रखे हुए हैं. तो वो सब कुछ अब मैं एक साथ ओपन करूंगी. वो रूम बिल्कुल ही खाली था. मतलब लिटरली वहाँ पर विक्की के टेबल और जो एक और एक यूनिट है स्टोरेज यूनिट, उसके अलावा उस रूम में कुछ था ही नहीं. हम वो मतलब एज अ स्टोरेज जमा कपड़े सुखा रहे हैं ऐसे चल रहा था वो वाला रूम. तो वही था, उसमें दो तीन चीजों की कमी थी, बहुत ज्यादा कमी थी, वो एकदम खाली था. तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए था. तो एक फर्नीचर आया है. काफी सारे लोगों ने गलत गैस किया है यार, लास्ट वीडियो में गलत गैस करा दोस्तों आप लोगों ने, मैं बताऊंगी भी क्या है. बहुत सारे लोगों ने उसको मैट्रेस गैस कर लिया है बट वो मैट्रेस नहीं है. तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्या है, उसको अनबॉक्स करेंगे एंड साथ ही साथ तो वो अनबॉक्स करेंगे और जिसके साथ वाले बॉक्सेस हैं वो अभी उसको अनबॉक्स मैं लास्ट में करूंगी. मतलब वो मैं जब स्टाइल करूंगी ना तभी दिखाऊंगी बिकॉज वो भी अगर अभी मैंने बता दिया और सब खोल दिया तो फिर मेकओवर में क्या देखोगे. तो फटाफट से सबसे पहले तो मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ. तक आज हमारे यहाँ वो भी होने वाला है, गैस पाइपलाइन भी डल रहा है बिकॉज जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं ना, ये बिल्डिंग थोड़ा नया कंस्ट्रक्शन है, उसको सिर्फ 2 साल हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यहाँ पर गैस पाइपलाइन नहीं था, अभी डल गया है सारा गैस पाइपलाइन. तो आज हमारे यहाँ होने वाला है. कल भी आए थे बट कल हम लोगों ने मना कर दिया था क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था तो इट वॉज नॉट सेफ है ना, उनके लिए भी नहीं था और मेरे लिए भी नहीं था. तो हमने उनको बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर आ रहा है, वैक्सीन लगा, तो हम नेक्स्ट डे आइएगा. तो ऐसे करके उनको बोल दिया था. तो अभी मैंने फेस वेस वॉश कर लिया है, मैं मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ. उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस मामा अर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विथ टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड. दिस इज द न्यू लॉन्च बाय मामा अर्थ एंड इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं. एक तो ये मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, दूसरा टी ट्री आता है. तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं एंड ले सकते हैं कौन सा आपको लगाना है. तो बिकॉज आई एम ऑयली स्किन पर्सन सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस. लोगों को लगता है मॉइस्चराइजर में लगाने से स्किन बहुत ज्यादा ऑयली एंड डल लगेगी, बट एक्चुअली में उल्टा होता है. अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज होगी एंड डल लगने लगेगी. अगर आप राइट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर यूज करेंगे ना तो आपकी स्किन और ज्यादा यू नो ग्लोई लगने लगेगी. इस मॉइस्चराइजर में जो मिला हुआ है इसके जो इंग्रीडियंट्स है वो टी ट्री सैलिसिलिक एसिड एंड विटामिन ई है. तो ये बेसिकली करता क्या है, एक्ने एंड पिंपल से फाइट करता है, 24 आवर्स हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर है एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. अगर आपको स्किन इल्यूमिनेशन के लिए चाहिए दिस इज especially for acne and pimples, so आप विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं. सो स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट पर. मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर अवेलेबल एट mamaearth.in, नाइका एंड Amazon. मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस. तो आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप प्लैनेट को भी कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड साथ ही
ही साथ मामा ने अपना रिसेंटली ऐप लॉन्च किया है जो कि iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए ही है. तो जो लोग यूजर्स होंगे ऐप के उनको सबसे पहले पता चलेगा कि क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर्स चल रहे हैं. लिंक सारे जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. मैं फटाफट से बेसिक से जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ और देखते हैं आज विक्की क्या कुकिंग करने वाला है. Hi guys. So, ना दो क्या हो गए, हम रेडी एंड हम बनाएंगे खाना. तो खाना बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहले तो अपना एंटरटेनमेंट तैयार रखो. अभी काटे जा रहे हैं आलू, फिर उसके बाद काटा जाएगा प्याज, आलू प्याज की सब्जी बनेगी. ओके गाइस, तो अभी एक्चुअली ना विक्की खाना बना रहा था बट रोटी मैंने बताया था ना कि मैं थोड़ा हेल्प करवाऊंगी रोटियों में, तो अभी हम थोड़ा लेट हो गए. क्यों? क्योंकि हमारे बिल्डिंग में अभी एक गैस पाइपलाइन का काम हुआ है एंड लुक एट दैट, ये इन्होंने लगा के गए. यहाँ पर मीटर लगाया ऊपर, यहाँ पर मीटर लगाया, इधर से आ रहा है ये बाहर से, और ये आप ये देखिए कि ये कितना ऑड लग रहा है. मतलब बीच टाइल में लगा दिया है, ऐसा नहीं कि आप कॉर्नर से. बोला हम लोगों ने कि आप थोड़ा उधर से घुमा के लाओ बट उन्होंने बोला कि ये होगा वो होगा एक्स्ट्रा चार्जेस होगा टिमका होगा. तो फिर हमने बोला हम एक्स्ट्रा चार्जेस देके क्या करेंगे, मतलब हमने ओनर से बात कर ली थी तो उन्होंने बोला जैसे सब क्या लग रहा है वैसे लगवा दो. तो जैसा लगा है वैसा लगा, बट ये बहुत गंदा लग रहा है. जस्ट इमेजिन अगर किसी को यहाँ पर मॉड्यूलर किचन बनाना होगा तो उसको कितनी दिक्कत आएगी ये करने में. डालो भाई मैं कर दूंगी. तो देखिए बेल तो देता है पर यहाँ डालने में उसको बड़ी मेहनत लगती है. ये देखिए ये खाना बनाते टाइम ही मेरा हाथ जला हुआ है, उसके बाद ये खाना बनाते टाइम मेरा हाथ जला हुआ है. जब जब मैं चक्की यूज करती हूँ तब तक मैं हाथ काटवाती हूँ. और इसके बाद ये देखिए कुछ ना कुछ कटी पिटी जरूर रहती हूँ खाना बनाते ढंग से नहीं बनाती. नहीं ढंग से खाना बनाती हूँ बट मेरा हाथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा हाथ जले ना, मेरा हाथ कटे ना. ये देखो टेढ़े हो करके पतली करी जा रही है रोटी को. जिस जगह से मोटी हो उस जगह से पतला कर दो. दो लास्ट रोटी, सारी रोटियां फूली. बात तो सही है, विक्की की रोटियां सब फूल रही हैं. मैं इसको ओपन करने के लिए वैसे तो बड़ी एक्साइटेड हो रखी हूँ बट ये अच्छा है, सैनिटाइज हो चुका है, 24 घंटे हो गए इसको, तो अब हम इसको ओपन करेंगे. ओके गाइस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है. तो ये है सोफ़ा कम बेड. ये मैंने परचेस नहीं किया है, ये मुझे ब्रांड के तरफ से आया है. सो बेसिकली ये मुझे भेजा है सेवेंथ हेवन वालों ने. ये एक स्टार्टअप फर्नीचर ब्रांड है जो कि सोफ़ा बेड को मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही साथ बीन बैग्स को करते हैं. तो आपको यू नो डायरेक्ट फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आता है तो कॉस्टिंग इसकी काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है. साथ ही साथ ये पैन इंडिया डिलीवरी देते हैं, तो आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से पैक होकर के भेजा है. मतलब तो इसके साथ तीन और एक्स्ट्रा कुशन कवर्स भी आते हैं. अब फटाफट से ये कवर निकाल देते हैं बिकॉज मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी इसको पूरा सेट कर. सो जैसे ही मैंने इसके फैब्रिक को टच किया ना, आई रियली लाइक इट. काफ़ी सॉफ्ट एंड अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक था एंड आप देख सकते हैं कि जिपर के आसपास इन्होंने इस तरह से एक्स्ट्रा क्लोथ लगा करके रखा है ताकि आपका जो जिप है वो दिखेगा नहीं. एंड यू नो डबल स्टिच्ड है पूरे कपड़े में, तो उससे फैब्रिक जो होता है वो भी लॉन्ग रन में रहेगा.
तो इसमें मेमोरी फोम यूज़ किया गया है और जो सीट हाइट है वो 12 इंचेस है एंड 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। मतलब पूरा इसमें यू नो अल्ट्रा प्रीमियम फोम यूज़ किया गया है, ऑर्थोपेडिक साइड है, कोजी सॉफ्ट साइड्स हैं एंड बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी क्वालिटी, फैब्रिक सब कुछ बहुत सही था। मैं आपको इसको स्टाइल करके बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है स्टाइल करने के बाद। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको सोफ़ा लगा दिया है एंड इसमें थ्रो लगा दिया है एंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी और मैं इसमें प्ले करूँगी कलर्स एंड कॉम्बिनेशन के साथ, दिस इज़ नॉट द फाइनल लुक है। एंड ये देखिए यहाँ से आपको सिर्फ नीचे करना होता है एंड ये बेड बन गया है। तो आप इसको यू नो सोफ़ा बना सकते हैं दिन में, शाम को लाउंज सीटिंग बना सकते हैं, रात में ये बेड बन जाता है। तो आई रियली लाइक इट, हाईली रिकमेंडेड। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें 5 कलर्स अवेलेबल हैं, मैंने बट ये ब्लू कलर मंगवाया है बिकॉज आई विश इसमें बेज कलर होता तो मैं डेफिनेटली बेज कलर मंगवाती। हे गाइस, तो अभी हो गई है शाम, मैं आप लोगों से अभी शाम को मिल रही हूँ एंड जो सोफ़ा है वो हमने यहाँ पर रख के रखा हुआ है, बट आई थिंक ये इसकी बेस्ट जगह नहीं है कि इस सोफ़े को यहाँ सामने लगा दिया जाएगा। ये सब क्लीन होगा, इसको मेकओवर देते हैं, तो इस सोफ़े को यहाँ सामने लगा के यहाँ साइड में साइड टेबल एक रख देंगे, सिर्फ एक। ये सब मैं इसको हटा दूँगी, यहाँ पर एक अच्छा सा वॉल गैलरी बना देंगे एंड ये सब अभी इंस्टॉल होना है, तो उसका मुहूर्त निकाल रहे हैं हम ये कब इंस्टॉल होना है। ये जो कपड़ों की रैक है इसके लिए परमानेंटली किचन के बाहर जगह बना देंगे या फिर बेडरूम वाला जो बैल्कनी है वो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है तो या तो उसको वहाँ पर रख देंगे, क्योंकि किचन वाले इसमें क्या होता है ना, हम दिन भर जैसे हमारे दोनों डस्टबिन हमने वहाँ पर रखे रखे हैं तो दिन भर अंदर बाहर होते रहते हैं, तो वो कपड़ों की रैक अगर रखा जाती है तो थोड़ा सा हैंडी नहीं रहता है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि इसको हम बैल्कनी वाले में, क्योंकि बैल्कनी वाले हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, वो सिर्फ अकेले विंडो ओपन रहती है, हवा खाने के लिए यूज़ होती है, कुछ ऐसे यूटिलिटी या किसी यूज़फुल के लिए नहीं होती। या फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि ऊपर वो जो होता है ना ऐसे हैंग करने वाला कपड़े टांगने वाले, या तो उस तरीके का जो रॉड्स होता है हैंगिंग वाला, हैंगिंग रॉड्स वो ले लेंगे, वो इंस्टॉल कर लेंगे। लेट्स सी, जैसा भी होता है आई लेट यू नो जो भी होगा। बट हाँ, इसका प्रॉपर मेकओवर कर सकते हैं क्योंकि अब एक सोफ़ा आ गया है तो अब समझ में आ गया है कि कहाँ रखा जाएगा, किधर रखा जाएगा, तो किस जगह पे उसका प्लेसमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से जो रूम है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लगे। एंड अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं फटाक से दिया लगाती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ गेट के लिए ना मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिला है, मुझे खुशबू ने दिया है, खुशबू से मेरी काफ़ी अच्छी बातें होती है, तो शी सजेस्टेड मी कि मैं यहाँ पर इन्हें एक मैक्रम का कर्टन लगा के डाल सकती हूँ, तो वो अच्छा एस्थेटिक भी लगेगा और गंदा भी नहीं लगेगा। तो अब मुझे मुहूर्त निकालना है कि कब मैं वो मैक्रम वाला यहाँ पे बना करके डालूंगी, तो मैं जल्दी वो करने वाली, मुझे वो आइडिया काफी अच्छा लगा। नाउ जो इंस्टाग्राम स्टोर्स है ना, जो लोग मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं या जो लोग मुझे अपना सामान भेजते हैं, तो मैं उन लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आई डोंट चार्ज विद एनी यू नो जो इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स होते हैं जिनके इंस्टाग्राम स्टोर्स होते हैं, जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया होता है या इंडियन ब्रांड है, अपनी मेहनत से सब कर रहे हैं, वन विमेन आर्मी ब्रांड है, ऐसा कुछ है, तो मैं उन लोगों से लिटरली एक पैसा भी चार्ज नहीं करती हूँ। इट्स फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से मैं काम करती हूँ। सपोज मेरे पास आज एक प्रोडक्ट आया, अब उसके नेक्स्ट डे से ना डू नॉट पिंच मी और डू नॉट यू नो पुश मी टू कि आप रिव्यू करो, हम आपके रिव्यू का वेट करें। आई नो आप एक्साइटेड हो, आपको भी वेट रहता होगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। हो सकता है मैं बिजी हूँ, हो सकता है मैं कुछ और काम कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली रिव्यू करती हूँ, भले 15 दिन बात करूँ, 20 दिन बात करूँ, 25 दिन बात करूँ, बट मैं करूँगी ज़रूर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, उससे ना मैं कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, ट्रिगर हो जाती हूँ कि यार ये देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट जो काम मैं आपके लिए कर रही हूँ ना, उस 2 मिनट का 3 मिनट का जो मैं इंटीग्रेशन वीडियो दूसरे ब्रांड के वीडियोज़ होते हैं उसका मैं एक अच्छा खासा पैसा चार्ज करती हूँ एंड आई एम डूइंग इट फॉर फ्री, और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं, मुझे अच्छा लगता है सपोर्ट करना, बट प्लीज़ उसको थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो आप भी, और मुझे भी आपकी उस चीज़ों की, आप मुझे इतना बना के भेजते हो, मैं लिटरली तारीफों के पुल बांधती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अगर मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ, मैंने कोलैबोरेशन के लिए हाँ करा है, तो दैट मीन्स आई विल गोइंग टू सपोर्ट यू नो मैटर वॉट, तो थोड़ा पेशेंस रखा करिए। दूसरी चीज, बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, मुझसे एड्रेस ले लेते हैं, दे आस्क मी फॉर कोलैबोरेशन, माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड एवरीथिंग, एंड देन दे डोंट सेंड मी प्रोडक्ट्स। ठीक है, होम ग्रोन बिजनेसेस की मैं बात करी तो मेरे पास पूरा ट्रैकिंग रखा हुआ रहता है जनवरी से लेकर के इस मंथ तक का, 6 मंथ में पूरा ट्रैक करती हूँ कि किसने मुझसे क्या क्या, क्योंकि भाई मुझे पता होना चाहिए कि किसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया है, किसने मेरा एड्रेस लिया हुआ है। बहुत अनसेफ लगा, एक आध चीज़ हुई उससे, मतलब मेरा एड्रेस ले लेते हो और दो दो तीन तीन महीने तक
फिर ना रिस्पॉन्स आता है कि क्यों आप डिले हो गए हो. नहीं, ये थोड़ा अजीब है यार. दिस इज़, आप एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो राइट, कि आप मुझे अभी ये नहीं भेज रहे हो. सामान के लिए लालच नहीं दिखा रही हूँ मैं, बट मेरा एड्रेस आपके पास जा रहा है, मुझे उस चीज़ का डर लगता है. सिक्योरिटी इशूज़ बोल लो या जो भी बोल लो. एक और ये मैंने कुछ कॉमेंट्स ऐसे पढ़े जो कोलैबोरेशंस के ऊपर है. आई ऑलवेज ऑलवेज डिस्क्लोज माई कोलैबोरेशंस. मैं कोलैबोरेशन डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, मैं ढिंडोरा पीटती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो डायसन का वैक्यूम क्लीनर आया था, उसके एक दिन पहले जो मेरा ब्लॉग गया था, उस पर भी मैंने क्लियरली बताया था कि जिसका मुझे था इंतज़ार करके, ठीक है. उसके डायसन के वीडियो के दो तीन दिन बाद भी आई थिंक जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें भी क्लियरली ढिंडोरा पीटा था. आपने देखा होगा मेरे पास और भी जो प्रोडक्ट्स आए, जैसे सपोज ये न्यूट्री ब्लेंडर वगैरह आता है अगारो का एंड ऑल दैट, तो आई क्लियरली मेंशनड कि ये मेरे को ब्रांड ने भेजा ऐसा है ना. आई नेवर से दिस कि आई बॉट दिस प्रोडक्ट, आई ऑलवेज से आई गॉट दिस प्रोडक्ट. मैं कभी नहीं बोलती, ये झूठ तो मुझसे बोला ही नहीं जाता है. मेरे वर्क एथिक्स ये अलाउ नहीं करते कि आप झूठ बोल के. हाँ, जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर जो कोलैबोरेशन होता है, मैं बिल्कुल चौड़ में बोलती हूँ कि हाँ मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ. कुछ लोग इस डर से नहीं बोलते हैं कि नीचे आकर के लोग ना कॉमेंट करते हैं कि अरे यूट्यूबर्स के तो बड़े मजे हैं. मेरे को भी आते हैं ऐसे कॉमेंट, अरे आप लोगों के तो बड़े मजे हैं, सब कुछ फ्री में आ जाता है. तो मैं ये सोचती हूँ, मैंने कहा भाई आप भी ले लो, आप भी कर लो ऐसे मजे, आप भी बना लो आपका चैनल. अगर ऐसे ही मजे हैं, अगर फ्री में ही सब आ रहा है, तो मतलब रास्ते चलते लोगों को भी मिलना चाहिए ना, खुद को अप्रोच करना है. डायसन इज अ ग्लोबल ब्रांड है, काफी बड़ा ब्रांड है, टॉप क्लास वैक्यूम क्लीनर बनाता है. उसने अगर मुझे अप्रोच किया तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है यार. मैं तो बड़ा जो भी बोल लो एक्साइटेड हो जाती हूँ. DW जब आया था, उन्होंने भी मुझे बोला था यू शुड नॉट मैंशन द कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग. आई क्लियरली मैंशन 4EO के साथ मैंने काम किया था. ये तो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यार, तो मेरे लिए तो ये प्राउड की बात है कि आप इतने ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं. और अगर हम कुछ चूज़ करें, इवन इंडियन ब्रांड भी कोई सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं तो सब बताती हूँ. PR भी छोटा सा आता है तो बताती हूँ. तो आई होप जो मिसअंडरस्टैंडिंग जिनको लग रहा था और जो क्रिएट कर रहे थे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. वो यूट्यूबर्स डिस्क्लोज करते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स डिस्क्लोज करते हैं लिटरली एक एक चीज़ की. हाँ, ये हमको ब्रांड ने सेंड किया है एज अ PR, ये हमारा कोलैबोरेशन है, या उनके कॉमेंट. मैं उन सभी यूट्यूबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये बहुत अच्छा जेस्चर होता है आपके ऑडियंस के साथ. एक ये ना ऑनेस्टी का फर्स्ट ब्रिज होता है कि आप चीजें डिस्क्लोज करते हो. सबको पता होता है आजकल स्पॉन्सरशिप एंड कोलैबोरेशन, सारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है. और जो चीज 100 लोगों के पास जा रही है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है ना कि कुछ कैंपेन चल रहा होगा तभी जा रही होगी. हेलो ये इंसान अभी मतलब क्या गाना गा रहे थे, क्या कौन सा गाना है बेटा? अरे पिया तुझे प्यार दूं वाला गाना है ना, उसमें बताओ क्या गा रही थी. तू दुख मेरा ले ले, मैं सुख तेरे ले लूं. मुंह से एकदम से निकल गया. मैं चेंज कर लेती, बट मैं बहुत उठपटांग सॉन्ग गाती हूँ. तीन बारी में चेंज नहीं हो पाया मैडम से. अकड़ा स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि अभी मुझे काफी बेटर फील हो रहा है और आज रेस्ट भी मैंने काफी कर लिया है. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में.